देखिए, जो सरकार पिछले साढ़े चार सालों से, लगभग 5 साल ही होने वाले हैं, ये रोना रोती रही है कि उपराज्यपाल हमको काम नहीं करने दे रहे, मोदी हमको काम नहीं करने दे रहा। अचानक क्या मोदी ने लेटर लिख के दे दिया है, उपराज्यपाल ने लेटर लिख के दे दिया है कि जी आप सब कुछ फ्री में बांटो। और ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, फ्री कुछ नहीं होता है। कान इधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया, किसी की सब्सिडी पहुँचाई जाती है तो किसी का फंड काट करके दूसरी कंपनियों को फायदा पहुँचाया जाता है। फ्री कुछ नहीं होता है। ये जनता को भी समझना चाहिए कि जनता का पैसा, जनता को झूठ बोल करके इधर से उधर करके कि ये फ्री की योजनाएँ ला जाती हैं। बात दूसरी आती है जहाँ पर महिलाओं की बात आती है। देखिए, महिला होने के नाते मैं उस चीज़ का स्वागत करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी है। सपोज करिए, एक महिला 70,000 कमाती है किसी प्राइवेट कंपनी में और वो टिकट फ्री में जाती है, और एक 10,000 जो एक कर्मचारी कमाता है वो उसमें टिकट लेकर जाता है, तो ये तो कहीं कहीं समानता मुझे नज़र नहीं आई। और आज जहाँ महिलाएं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और हर जगह 50% महिलाओं का हो रहा है, वहाँ आकर के अगर आप ये कहें कि जी महिलाएं फ्री हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को कमज़ोर दर्शाते हैं कि जी महिलाएं कमज़ोर हैं इसलिए महिलाओं को फ्री करो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक चुनावी फंडा है कि महिलाओं को ये दिखाने के लिए कि जी देखिए हम तुम्हारे तरफ है। महिलाओं को फ्री नहीं चाहिए था, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए थी, जो दिल्ली सरकार कहीं भी उनको नहीं दे पाई है। फ्री से ज़्यादा यही बेहतर होता कि हर महिला अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित महसूस करती, अन्य राज्यों की तरह, वो भी अन्य राज्यों की तरह 12 बजे 1 बजे फ्री होकर घर से निकल पाती, अपने काम से लौट पाती, अपने काम पर जा पाती, ये ज़्यादा बेहतर होता। पिछले 4 साल से, लगभग 5 साल से बुज़ुर्गों की पेंशन बंद है। आप ये बताइए, कुछ ऐसे बुज़ुर्ग जिनके बच्चे नहीं हैं या बच्चे नहीं पूछते हैं, उनकी दवाई, उनका खाना पीना उस पेंशन से चल रहा था, लेकिन इन्होंने वो पेंशन नहीं दी, फ्री में बांट रहे। इन्होंने बुज़ुर्गों के लिए नहीं सोचा है कि बुज़ुर्ग वो क्या करेंगे, कैसे अपनी गृहस्थी चला रहे होंगे। या मैं ये चाहती थी कि आप पेंशन बढ़ा दीजिए, विधवाओं की पेंशन बढ़ा दीजिए, विकलांगों की पेंशन बढ़ा दे, तो हमको समझ में आता। ये इस तरीके का जो फ्री का जो ये बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजली वालों को भी सब्सिडी जा रही है, कहीं ना कहीं पानी वालों को भी जा रही है। कल एक महिला मेरे पास आई, कहने लगी जी वो कह तो केजरीवाल तो कह रहा था कि फ्री पानी है, लेकिन देखिए मेरा तो 40,000 का बिल आया। अब मुझे समझ नहीं आया कि उस महिला का 40,000 का कैसे बिल आया, हमारा भी बिल आ रहा है, हम भी घर में 3 लोग हैं लेकिन हमारा भी बिल आ रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि फ्री किसका आ रहा है। कुछ भी नहीं है। लोगों को, जनता को ये समझना चाहिए कि जो आदमी पिछले 4 साल से कुछ नहीं कर पाया, अचानक ये योजनाएं किस लिए आ रही हैं। मेरा तो, हमारे बुजुर्ग तो ये कहते थे कि तीर्थ हमेशा अपने पैसों पे, अपनी कमाई पे करनी चाहिए, फ्री में नहीं करनी चाहिए कभी भी। मेरा तो, हमारे बुजुर्गों से हमने यही सुना था, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो बुजुर्गों को भेजा जा रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जनता को ये समझना होगा, कहीं से कहीं भी जनता को समझना होगा कि चुनावों के बाद ये कुछ उनको मिलने वाला नहीं है, सिर्फ ये चुनावों के लिए ही इस तरीके के पासे फेंके गए हैं, तो जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि पिछले 4 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ नहीं किया सिवाय होर्डिंग और पोस्टरबाजी के।